सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। वैसे तो तुलसी के पौधे को लेकर मान्यता ये मानी जाती है कि जिस घर में अगर तुलसी का पौधा ना हो तो उस घर में कभी भी सुख समृद्धि देखने को नहीं मिलती। इसीलिए अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा नहीं है तो जरूर लगा लें, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आपको बता दें कि जिस भी घर में रोज़ सुबह शाम पूजा की जाती है वो घर हर चीज़ से संपन्न होता है। और ये बात तो आपको भी पता होगी कि तुलसी के पत्तों से हमें बाहर सारे लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि हिंदू परिवार के हर घर में तुलसी की पूजा होती है और इसकी बहुत सी मान्यताएँ भी हैं। और कहा जाता है कि जिस घर की तुलसी हरी भरी होती है उस घर में देवताओं का भी वास होता है और उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और उस घर में सुख शांति बनी रहती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल भगवान को भोग लगाने में भी किया जाता है, जिससे भगवान भी जल्दी खुश होते हैं। जबकि हिंदू शास्त्र के मुताबिक तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। बता दें कि अगर आप भी अपने रुके हुए काम को पूरा करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे को घर में लगाकर सही विधि से पौधे को स्थापित करें और पहले आप तुलसी के जड़ को अच्छी तरह से पवित्र गंगा जल से धो लें और फिर उसे लगाएं। लगाने के बाद नियम विधि से उसकी पूजा करें तो आपके सभी काम सफल होंगे। जबकि वहीं अगर आप पूजा करते समय तुलसी मंत्र बोलेंगे तो आपकी पूजा सिद्ध मानी जाती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब हम आपको उस दो अक्षर वाले तुलसी मंत्र को बताने जा रहे हैं और वो मंत्र है जो आपको पूजा करते समय बोलना है, वो है ओम ओम। इसी का जप को आपको हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाते समय बोलना है। अगर तुलसी की पूजा करते समय आप ओम ओम का मंत्र जाप करते हैं तो आपको कभी भी आर्थिक समस्या पैदा नहीं होगी और आप इस मंत्र का जाप तुलसी के पेड़ के सुबह और शाम जल चढ़ाते समय बोलें। आप देखेंगे कि इस मंत्र के जाप करने से कुछ ही दिनों में आपके जीवन से धन की समस्या दूर हो जाएगी और आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियाँ दस्तक देंगी।